तेज, तो मुंह दिख रहा होगा तुम्हें बिल्कुल साफ। तो गाइस मैंने रील भी बना लिया 10-15। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मोनी सागर ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। गाइस हम भी सब बढ़िया हैं। तो मैं हो गई थी रेडी, आज मैंने पहले ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा, तैयार हो के ही करा। तो ये मेरा सूट है, धोती वाला नहीं है, ऐसे पैंट में ही ऐसा डिज़ाइन है ये। तो कैसा लग रहा है? लाइट कलर का है, फर्स्ट टाइम ही पहना आज। दुपट्टा भी अच्छा है इसका। तो अब सागर को देखती हूँ क्या कर रहा है, रेडी हुआ है नहीं हुआ। ये डिज़ाइन मेरे को बनवाना नहीं था, ये टेलर ने खुद ही बना दिया, मुझे ये कम पसंद है। और मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? मतलब थोड़ा लाइट ही मेकअप करा है, ज़्यादा वैसा नहीं करा। बस बाल एक तो बस ये मैं तो कह रही हूँ क्या करवाऊँ बालों में, थोड़े टाइम बात करवाऊँगी जब ये बारिश का मौसम ठीक हो जाएगा ना। क्योंकि अभी तो सैलून वाले भी बोलते हैं अभी मत कराओ कुछ, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी थोड़े ऐसे ही रहेंगे ये। तो इसलिए एक करवा चौथ के आसपास तो पूरा करवाऊँगी। तो गाइस मैंने रील भी बना लिया 10-15-20। सागर अभी आया है, ये चल गई प्रेस ही वाली। हाँ, देख पानी से निकल रहा है। गाइस ये प्रेस ना बहुत टाइम से रखी थी, मैं चला ही नहीं रही थी, पर फिर ये सही प्रेस करो। जलेगा हाथ? आराम तो करो। तो भाई स्टीम निकल रही है ना गर्म, तो होगी। मैं तो उससे कर लेती हूँ, ढंग तो करो कभी। हाँ फुकवा लो हाथ को, बस अब हम निकलेंगे। वैसे तो मैं तो बहुत देर से सही है ना, मैं पहले रेडी हो जाती हूँ, फिर टेंशन नहीं रहती। मेरे को तो कितने 5-10 मिनट। सागर तो अब वो 5 मिनट में, और फिर बस निकलेंगे। मम्मी होगी होंगी तैयार। और गाइज हम जा रहे हैं गुरुजी के सत्संग में, दीदी के घर पे ही कल गए थे जहाँ। तो वहाँ जाके हम, मैं तो देखो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, ऐसे मम्मी भी फर्स्ट टाइम, सागर भी, हमने दीदी भी पूछ रही थी कल की तुमने कभी ऐसे आए हो, मैंने कहा नहीं हम तो फर्स्ट टाइम गुरु जी बुला रहे हैं ऐसे में। तो अब मेरे को तो ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है। देखना कैसे कर रहा है, कर लेगा सागर ये पता है इसमें अलमारी में उसके उसमें अटका लो और फिर ऐसे पीछे से। हाँ सही रहे वैसे ये सिल्क विल्क के कपड़ों के लिए। तो गाइस मैं तो थक गई तैयार होके भी, इतनी देर हो गई है। अब मैं खा रही हूँ एक पराठा, भूख लग रही है। सुबह खा लेते हैं ना ब्रेकफास्ट में पराठे वगैरह, फिर लंच की भूख ही नहीं लगती। तो सागर तो खा गया, अभी आ रहा है सागर 5 मिनट में, फिर हम निकलेंगे। मम्मी बस हो रही है रेडी, मैं खा रही हूँ पराठे और दही। तो गाइस जा रही हूँ मैं, अब बुला रहे हैं सागर नीचे, निकल रहे हैं। बस लाइट वाइट बंद कर दूँ, वहाँ की भी लाइट, एसी भी बंद करना है। एसी इसलिए चलाया था जब गर्मी लग रही थी। ठीक नहीं लग रहा सूट? बढ़िया लग रहा है, चुन्नी तोड़ लूँ। एक तो मम्मी होगा गाइस यही रहता है, वहाँ पे भी यहाँ पे भी चुन्नी तोड़ लूँ चुन्नी तोड़ लूँ। अच्छा लग रहा है, ये भी गर्मी नहीं लगेगी इसमें। जैसे मैं लगा के जा रही हूँ आज मम्मी, मैं हटाऊंगी लाइट बंद कर दो। लोग देख रहे थे, अभी देखा नहीं था आपने? कोई नहीं, गाड़ी में देखते हुए चलते हैं। जा रहे अब हम आएंगे रात को, एक पानी की बोतल कह रहा था सागर। तो गाइस बोतल ले ली हमने, किट्टी को हम छोड़ के जा रहे हैं, ये पूछ हिला दी हमने बैग। गाइस सागर आ रहा है अभी आगे से, इतने हम तो खड़े हैं कहीं। आ गया क्या? लो। तो गाइस हम रास्ते में पहुंच गए हैं, मम्मी बैठी है पीछे, धूप आ रही है बहुत तेज, तो मुंह दिख रहा होगा तुम्हें बिल्कुल साफ। और सागर गया है कुछ लेने, अभी आ रहा है।
तो इतने हम वेट कर रहे हैं, साढ़े कितना टाइम हो रहा है, 5 बज रहे हैं, जब भी इतनी तेज धूप हो रही है जैसे 2 बजे होती है। तो बस अब हम पहुँचने वाले, आधा घंटा तो लगेगा अभी यहाँ से जाने में, टाइम लगेगा, फिर पहुँच के मिलते हैं हम वहाँ पे। आज तो ट्रैफिक कम है। हाँ, कल था बहुत ट्रैफिक, कल जब हम गए ना ट्रैफिक भी इतना था और वो बारिश की वजह से हर जगह पानी भर रहा था, फिर आज इतना नहीं मिलेगा। सागर कह रहा था दिन में भीड़ भी कम मिलती है, कल बारिश की वजह से ज़्यादा था। तो चलो गाइस मिलते हैं। देख लो मेरा मेकअप, लेंस नहीं लगाया मैंने, पर ये लगा लेते इससे लगता है ना इसे लेंस लगा रखे, पर अब मैं लेंस नहीं लगाती हूँ जब से मैंने जैस्मिन की वो देखी है वीडियो, मुझे डर लगने लग गया है। सागर ने बोला मत लगाए कर, क्योंकि भाई उसकी आँख खराब होगी, वो इतने अच्छे लगाती होगी जब भी, तो हमारे भी, क्योंकि मैंने अभी भी जब लगाया था मेरी ये वाली आँख में ऐसे कुछ होता था घने दिन तक, वो भी दुखी थी मेरी आँख, तो इस बारे में नहीं लगाती अब लेंस। तो चलो सागर आने वाला है, फिर हम जा रहे हैं। तो गाइस व्यू देखो, ऐसे लग रहा है जैसे गाँव में खेत से आते हैं ना वो आ गया, पर ये सारा गुड़गांव है, खेत है, पर जैसे गांव साइड आती है ना एकदम ऐसा तो थोड़े येलो से। तो पर यहाँ वैसे गुड़गांव है ये अभी, पर रोड बढ़िया आ गए। कल आए थे जब तो रात को मेरे को ये कोई रोड दिखी नहीं थी, अब अच्छे रोड है। तो गाइस आ गए हम, बस अब एंट्री करवा के फिर सीधा ऊपर। तो गाइस वैसे सही रहता है, इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, अच्छी बात है। हमारे वहाँ पे भी ऐसी है, पर उससे ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ है, वहाँ फिर भी ऐसे ही जो आते हैं ना उन्हें भेज देते हैं, नहीं पूछ के किसके जाना है, यहाँ पे पूरा फ्लैट नंबर, फ़ोन नंबर, नाम, सारी चीज़ पूछ के फिर अंदर जाने देते हैं। तो गाइस जा रहे हैं हम ऊपर, मम्मी और सागर आगे आगे जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ देखो, मम्मी और मेरे को सांप आ रहे हैं बिल्कुल लाइट में। ऐसे बड़े मिरर हो ना तो सही रहे, है ना, बढ़िया रील ब्लॉग बनता है। सागर गया अभी गाड़ी कहीं और लगा लो, पार्किंग में लगा दी थी दूसरी जगह, वो कह रहे हैं हाथ से हटा के कहीं और लगा। वैसे ये धोती सी लग रही है मम्मी, पैंट है ना जैसे तुम जो कर रहे हैं। अच्छा लगा ना मम्मी, क्या सेंस, बहुत अच्छा लगा, आगे शांति मिली, शांति। तो गाइस सत्संग हो गया, अब हम बैठे हैं। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी। अच्छा लगा बहुत हमें सत्संग में आके, हम फर्स्ट टाइम आए हैं। ओके, बहुत दिल खुश हुआ। अच्छा, मन खुश दीदी देख रही खुश। कल आंटी ने मेकअप नहीं किया था गाइस, आज कर रखा है, आईलाइनर भी लगा रखा है आंटी ने। इसकी नजर मेरे ऊपर चली गई गाइस। सब गाइस देख के बताना क्या अलग है। हाँ मैंने कल भी बोला था, हमारे भी कल, ये बड़ी वाली की है, वो छोटी वाली का बेटा है। अच्छा, ये शर्माती बहुत है, पर एक एक ही है बहन जी। तो गाइस गोलगप्पे भी हैं, हम तो खा रहे हैं, खा लो एक। क्या खा आटे वाला है गोलगप्पा, आटे का खा ले, टेस्टी है, पानी कैसा है, मीठा था, खा ले पहले आराम से, खट्टा है, अच्छा है, खा लो एक दो और ले ले, पेट भर गया ना इतना खा लिया, प्रसाद भी बहुत अच्छा था, है ना, प्रसाद तो हर जगह का टेस्ट, प्रसाद तो अच्छा ही रहे। हाँ। मम्मी भी खा रही है गाइस गोलगप्पा। तो गाइस जा रहे हैं हम, हवा चल रही ना गरम गरम हवा, गाइस गरम हवा चल रही है, अंदर फुल एसी था तो पता नहीं लगी, यहाँ तो जा रहे हैं चिपचिपाट हो रही है, 8 बजे। हाँ, एक घंटा में अब जाने में लगेगा। गाइस मम्मी शर्मा रही है,
कुछ पर्सनल टॉक ब्लॉक में बता निकाल रहा अभी सागर गाड़ी है सीधी रखी थी डिब्बा ले करवा लूं हाँ ले लो। तो गाइस अब हम सब्जी ले रहे हैं रास्ते में से, सही है ना, जाते जाते दो काम हो जाएंगे, अपनी सब्जी भी चली जाएगी घर पे, वरना फिर मम्मी को जाना पड़ता लेने। तो गाइस मंदिर के पास आ गए, देखो ये कावड़िया जा रहे हैं, कितने यहाँ पे टैग चल रहे हैं, तेज तेज गाने कावड़िया जा रहे हैं, डीजे, हाँ मतलब ये जो डिब्बे डीजे लगाते हैं, और यहाँ पे हमारा मंदिर है बाबा नीम करोली का, पूरा लग रहा है। तो गाइस किट्टी से मिलो, आ गए हम घर पे, भाई कावड़िया जा रहे, उन्होंने इतना ट्रैफिक लगा रखा है, आधा घंटा लगा हमें वहाँ, चलो जा रहे, अच्छी बात है, सब जाते हैं ना, ऊपर तो नहीं है, जाते हैं सब जाते हैं, पर एक रहता है ना जान बूझ के जाम। तो गाइस हम आ गए हैं घर पे, 9:30 बज गए, सही टाइम पे आ गए थे, वो बस बीच में वो कावड़िया जा रहे थे ना, उन्होंने आधे घंटे से ज़्यादा, मतलब सही है जाते हैं लेने, सब जाते हैं, अच्छी बात है भोले बाबा की, पर ट्रैफिक इतना कर रखा वहाँ से वहाँ तक, और गाने इतनी तेज, बहुत मतलब पूरा ट्रैफिक लगा रखा था उन्हें, तो उस वजह से लेट हो गए। तो गाइज मेरा सूट बताना आज वाला कैसा लग रहा है, अच्छा लगा मेरे को, फर्स्ट टाइम ऐसा लगा, लाइट कलर भी अच्छा लगता है, वरना मैं सोचती थी लाइट कलर पता नहीं कैसा लगेगा। तो गाइज मैंने आके भी 2-3 रील बना ली, मन नहीं भर रहा था, अब मैं कर रही हूँ ये सूट चेंज, अपना नाइट सूट पहन लेती हूँ फटाफट, और फिर जाके सब्जी बना लिया, पापा आने वाले हैं और रोटी बनानी है पापा की, मैंने तो खा रखा है वैसे, प्रसाद से पेट भर रखा है, तो मैं चेंज कर लूँ, ये पर्स रखा है, वैसे तो मैं साफ़ करके गई थी, इतना कुछ मतलब वैसे नहीं हो रखा, बस एक वो हेयर स्ट्रेट मशीन पड़ी है, और अपना बस ये सूट है ये रखना है, तो मिलती हूँ मैं चेंज करके, सागर भी अभी आ रहा है। तो गाइज हम आ गए अपने ड्रेसअप में घर पे, और अब रोटी बन रही है तोरी की सब्जी पापा के लिए, हमें तो खानी नहीं है, भूख नहीं है, बस हम तो लस्सी पियेंगे, सागर को लस्सी पीनी है, और गर्मी हो रही है रसोई में बहुत ज़्यादा, फेस वॉश करके आ गई थी मैं, अब जा रही हूँ ऊपर। तो गाइस रोटी ले आई हूँ मैं, जिसमें कि सागर मना कर रहा है, खाऊंगा नहीं, खाओगे नहीं, मैंने पहले ही मना करी थी, क्यों मैं नहीं खाऊंगा, पेट भर गया, हाँ हमारा प्रसाद से भर गया था पेट, पर मैं फिर भी ले आई दो, फिर भी क्यों लिया, मतलब रात को भूख लगे या मेरे को लगे या कुछ भी तो खा लेंगे, भूख लगेगी सोएंगे, भूख लगेगी, और क्या, और कुछ नहीं, हम बिग बॉस देख रहे हैं। तो गाइस आज हमें जाके बहुत अच्छा लगा, हम फर्स्ट टाइम गए थे, मैंने बताया ही, मतलब मन खुश हो गया है ना, अच्छा लगा ना, अच्छा लगा बहुत जाके, तो जाते रहेंगे, अब आगे गुरुजी बुलाते रहेंगे, अब हम जाते रहेंगे, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो, और ऐसे ही अब फिर घर के व्लॉग्स, कभी ऐसे बाहर कभी घर के, ऐसे ही आएंगे डेली व्लॉग्स, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।